इस बार रक्षाबंधन पर चीन से आने वाली राखियों के स्थान पर इंदौर में स्वदेशी राखी तैयार करवाई जा रही है। इंदौर की इन महिलाओं को सहयोग देने के लिए इंदौर सांसद राखी निर्माण की कार्यशाला का आयोजन भी करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक बात कही थी कि इको फ्रेंडली स्वदेशी गणेश बनाए और उसी को ध्यान में रखते हैं, इसके बाद हम उसका भी प्रशिक्षण देंगे। कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत में सभी माता बहनों को प्रशिक्षित करना है। एक एक हमने पैकिंग करवाई है, एक एक राखी की, और उसमें हमने थीम दे के रखी है अलग अलग, और वो इजी है बहुत। एक और वो महिलाएं हम उनको निःशुल्क सामग्री भी देंगे। इन कार्यशालाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी बहनों को राखी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक और जहां इन महिलाओं को इस कार्य से आजीविका का साधन मिल रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर स्वदेशी राखियां बाजार में उपलब्ध भी हो पा रही हैं। इन राखियों को बेचने के लिए दुकानें भी लगाई जाएगी और इनकी ऑनलाइन बिक्री भी होगी। इससे मिलने वाली राशि राखी बनाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में योगदान देगी। हमको अच्छा लगा है, आज कुछ सीखने को मिला है। राखियाँ सीख रहे हैं, सीखी है हमने यहाँ पर, और बहुत अच्छी तरीके से सिखाई गई है। मतलब मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ये राखी सीख के हमको बहुत अच्छा लगा है, और चाइना की राखी अब हम यूज नहीं करेंगे, अब फौजी भाइयों के लिए अपने यहाँ की राखी हाथ की बनी बनाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की राखी बनाना सीख ली। इंदौर जिले का यह प्रयास ड्रैगन को मुँह चिढ़ाने और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में कामयाब साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।